नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। प्रदोष व्रत, वो भी खास करके कहते हैं कि वैशाख महीने के जो प्रदोष व्रत होते हैं वो बहुत उत्तम माने जाते हैं। वैशाख महीना वैसे भी बहुत ही प्रिय महीना भी है और साथ के साथ जप तप दान का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में कोई भी त्योहार, कोई भी व्रत जब आते हैं तो उसकी महत्वता, उस त्योहार की महत्वता भी बढ़ जाती है, लेकिन साथ के साथ महीने की महत्वता भी बहुत ज्यादा आपको लाभ देती है। अब ये प्रदोष व्रत की जब हम बात करते हैं तो शुक्र का प्रदोष वैसे भी बहुत प्रिय प्रदोष है। जैसे सोम प्रदोष उन्हें बहुत पसंद है, शनि प्रदोष बहुत पसंद है, ऐसे ही उन्हें शुक्र प्रदोष भी बेहद प्रिय प्रदोष उन्हें है। और खास करके कहते हैं कि भोलेनाथ की जब आराधना की बात आती है और प्रदोष के व्रत की बात आती है तो शाम की महत्वता होती है। यानी प्रदोष काल में प्रदोष पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। और ऐसे में विधियां करना, कहते हैं कि सोने पर सुहागे की बात होती है। जैसे हम कहते हैं मौके पर चौका मारिए, जब प्रदोष का व्रत हो और संध्या की तिथि हो तो इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने रजत भवन में होते हैं। और कहते हैं कि इस समय प्रदोष के इस काल में अगर आप कोई भी मन्नत मांगते हैं तो भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर के पूरी करते हैं। और ये प्रदोष काल हो, संध्या का समय हो, गोधूली वेला हो, सूर्य अस्त के बाद का समय हो, ये समय भी बहुत चमत्कारी समय माना जाता है। कहते हैं साक्षात देवी देवता भी हमारे धरती पर होते हैं और हमारे इर्द गिर्द होते हैं और उनकी एनर्जी से ही इतनी ज्यादा होती है कि मात्र आपके मुख से कुछ कहना और भगवान ने पूरी करना। लेकिन हमेशा कहते हैं कि जब भी हम कोई मन्नत मांगते हैं, कोई मान्यता रखते हैं, उसमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने हित के लिए आपने मन्नत मांगनी। अब जब प्रदोष की व्रत करते बात कर रहे हैं तो 13 मई को है ये प्रदोष व्रत। लेकिन जब हम तिथि की बात करते हैं, सूर्य उदय की जो तिथि है वो 14 मई को है। अब कई बार हम लोग अपने बहुत सारे प्रोग्राम में कहते हैं कि सुबह की उदय तिथि पर आप व्रत रखिए, लेकिन प्रदोष व्रत जो है वो 13 मई को क्यों? क्योंकि सुबह उदय पर तो प्रदोष आया ही नहीं है। और ऐसे में प्रदोष मीन त्रयोदशी तिथि, और त्रयोदशी तिथि जो है वो सुबह के समय पर 13 तारीख को नहीं है। लेकिन जब हम शाम प्रदोष काल की बात करते हैं तो वो संध्या के समय हमारे पास तिथि है। और प्रदोष काल की पूजा का महत्व प्रदोष काल में ही है। यानी प्रदोष व्रत अगर आपने किया है तो आपको जो पूजा विधि करनी चाहिए वो आपको प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, यानी संध्या के समय ही करनी चाहिए। अब ये तिथि कितने बजे से शुरू हो रही है, पहले इस चीज को समझिए। 13 तारीख को तिथि जो है वो शाम को 5:28 पर प्रदोष तिथि शुरू हो रही है। और ये तिथि प्रदोष में त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है और ये तिथि जा रही है, यानी कंप्लीट होगी, त्रयोदशी तिथि की समापन होगा, समाप्ति होगी 14 मई को, यानी 14 मई को दोपहर को 12:46 पर। ये तिथि सूर्य उदय का जब समय है तो 14 तारीख को मिल रहा है। लेकिन हमें प्रदोष व्रत की जो महत्वता है वो प्रदोष काल की पूजा के साथ है। तो ऐसे में जो व्रत आपने रखना है, जो व्रत विधियां करनी है, जो अपने मन्नतें मांगनी है, जो आपने उपाय रेमेडीज करनी है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको पूजाओं का सहारा लेना है, तो वो आपने 13 मई को ही करना है। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि आपको प्रदोष का व्रत जो है 14 मई को ना रख करके, क्योंकि सूर्य उदय की तिथि भले ही है बट प्रदोष काल उस दिन नहीं है, तो आपने ये व्रत 13 तारीख को ही रखना है, 14 को नहीं रखना चाहिए। अब आती है बात, अगर आप सूर्योदय को मानते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वता है प्रदोष के शाम की पूजा की वो आपने 13 तारीख को ही करनी है। भगवान की आराधना में वैसे भी तो फल मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई खास दिन जब होते हैं तो भगवान साक्षात हमें वरदान देते हैं। ये व्रत जो है आपके जीवन में सुख को इंडिकेट करता है, यानी आपके जीवन में कितने सुख आपको मिलने चाहिए और वो सुख आपके कैसे होने चाहिए। बिना भागदौड़ के, बिना परेशानियों का अगर आप जीवन व्यतीत करते हैं तो वही हमारा जीवन सुखमय जीवन होता है।
कई बार हर व्यक्ति के पास बहुत सारी लग्जरीज होती हैं, बहुत सारा सामान होता है, धन होता है, लेकिन वो खुद चैन में नहीं है, ना दूसरों को चैन में रहने देते हैं। हमेशा देखना आप कि बहुत सारी नेगेटिविटी कुछ लोगों की जो होती है वो साथ में कैरी होती रहती है, और जहां वो एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जहां का माहौल बनाते हैं, वहां का माहौल भी वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तभी कहते हैं जो लोग प्रदोष के व्रत की पूजा करते हैं उनके ग्रह भी शांत होते हैं, क्योंकि ग्रह शांत होंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आपके अपने जीवन में भी डालेंगे और दूसरों के जीवन में भी डालते हैं। तो प्रदोष के व्रत की पूजा का महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। प्रदोष मीन्स दोष रहित, आपके जीवन के दोषों को दूर करता है ये। और आपके दोषों को दूर कब करेगा? जब आप उन दोषों को समझने का प्रयास करेंगे। जब आप दोषों को समझेंगे नहीं, कोई भक्ति का सहारा नहीं लेंगे, भगवान की तरफ आपका ध्यान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव उल्टा ही सोचते रहेंगे दिमाग में, तो कहीं ना कहीं आप जहां खुद स्वयं होते हैं वहां भी कष्ट में होते हैं, अपने जीवन में भी कष्ट लेते हैं, लेकिन जहां आप जाते हैं दिनचर्या अपने पूरा दिन व्यतीत करते हैं वहां भी आप जाकर के कुछ ना कुछ नेगेटिव माहौल बना देते हैं। तो आपका जो ऑरा होता है, जो नेगेटिव ऑरा होता है, वो सब जगह कैच करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम पूजा भक्ति पाठ करते हैं तो हम अपनी क्लीनिंग करते हैं, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ते हैं। नेगेटिविटी तब छूटती है जब आप पॉजिटिव की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव, वैसे तो कोई भी जो नेगेटिव व्यक्ति होता है वो कभी नहीं मानता कि मैं नेगेटिव हूं, बट अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बार बार कह रहा है कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप जब भी आते हैं तो कोई खलबली सी मचने लगती है, आप जहां बैठते हैं वहां नुकसान होना शुरू हो जाते हैं, आपके साथ अगर कोई काम करते हैं तो वहां नुकसान शुरू हो जाते हैं, अगर धन की डील करते हैं तो धन का नुकसान शुरू हो जाता है, अगर ऐसी चीजें आपको लगता है कि कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आपके साथ हमेशा चल रही है, या आपके माध्यम से आपको भी नुकसान हो रहा है लेकिन आपके आपके कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो आपको अपने ऑरा की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक समय आता है जहां आपको बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको हमेशा पूजा पाठ भक्ति ये जरूर करनी चाहिए, और खास करके प्रदोष के व्रत की जब हम बात करें तो प्रदोष की पूजा करने वालों का ऑरा हमेशा क्लीन रहता है, हमेशा उनके अंदर एक अच्छे विचार आते हैं, हमेशा उनकी नेगेटिविटी जो होती है वो दूर होती है। क्योंकि अंतर आत्मा, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, लेकिन जैसे विचार आपके दिन में आपके दिल के अंदर चलते हैं वैसे आपके चेहरे, आपके हाव भाव पर, आपकी हरकतों में भी आते हैं और आपके दिनचर्या पर आते हैं और आपके एक सिस्टम पर पड़ते हैं। तो हमेशा जब भी आपको लगता है कि हमसे कुछ चूक हो रही है, गलती हो रही है, वैसे तो गलती मानने से ही आप गलती में सुधार करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं खुद मानना चाहते हैं लेकिन अगर किसी कोई व्यक्ति आपसे कहता है तो आप अपनी क्लीनिंग जो है वो शुरू जरूर कर दीजिए। और प्रदोष काल सबसे उत्तम समय होता है, कहते हैं जब आप पूरी इंद्रियों को भी शांत कर सकते हैं, पूरे 7 चक्रास बॉडी के हम क्लीन भी कर सकते हैं, एनर्जाइज भी कर सकते हैं। तो प्रदोष काल की पूजा का खास महत्व है। किसी भी तरीके की परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो 13 तारीख की जो प्रदोष पूजा है, यानी प्रदोष काल की पूजा होगी, उसमें आपने शिव मंत्रों के जाप जरूर करने हैं, भोलेनाथ की आराधना करनी है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है। और खास करके हम आपको एक समय बता देते हैं जिस समय अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा होना शुरू हो जाए। 6:40 से लेकर के 9:05 तक का समय, 6:40 से लेकर के 9:05 तक का जो समय है, अगर इस बीच आप भोलेनाथ की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलता है और भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण भी करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जब कुछ ऐसे इवेंट आते हैं, जब कुछ ऐसी
वो जो समय होते हैं, चाहे व्रत हो, चाहे त्योहार हो, चाहे उत्सव हो, जब भी कोई ऐसी चीजें आती है तो ऐसे में आपको पूजा भक्ति अपनी बढ़ा देनी चाहिए। और पर्टिकुलर किसी समय का अगर यहाँ पे कंसर्न हो तो उस समय में तो आपको पूजा भक्ति करनी ही चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अपने ऑरा को भी क्लीन कीजिए, अपने थॉट्स को भी क्लीन कीजिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को भी बनाए रखने का प्रयास कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो ही हम समस्याओं से बाहर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।